मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम अपने सपनों को हासिल क्यों नहीं कर पाते, हमारे सपने हमसे दूर क्यों रहते हैं और हम क्या करें ताकि हमारे सपने और हमारे बीच की दूरी खत्म हो जाए। इस तरह के सवालों के जवाब में अक्सर मेरे पास एक सवाल होता है और वो सवाल होता है कि आप अपने टारगेट्स, अपने सपनों को हासिल करने के लिए क्या खोने को तैयार हो। इस सवाल का जवाब अधिकतर लोगों के पास नहीं होता और सिर्फ सुपरफिशियल बातें कहते हैं जो कि आपको अपने सपनों से हमेशा ही दूर रखती है। देखिए दोस्तों, आपको समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता और जितने बड़े आपके टारगेट्स होंगे आपको उतना ही बड़ा सेक्रीफाइस भी करना होगा। लता मंगेशकर जी ने अपने बचपन में आइसक्रीम छोड़ दी थी और अब तक नहीं खाई है और इसीलिए आज हम उनको स्वर्ग कोकिला कहते हैं। विराट कोहली ने अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए कई सालों से जंक फूड नहीं खाया है और आज वो कहाँ हैं आप खुद ही जानते हैं। वॉरेन बफेट आज एक बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं लेकिन अपने शुरुआती सालों में उन्होंने कंजूसी से पैसे खर्च करे थे ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकें और आज वो कहाँ पर हैं आप खुद देख सकते हैं। आप किसी भी सफल इंसान को देख लीजिए, उन्होंने अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए पहले बहुत से सेक्रीफाइसेस किए हैं और तभी उन्हें सफलता भी मिली है। अगर आप अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि दुनिया में फ्रीलांस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको कुछ पाना है तो बदले में आपको कुछ देना भी होगा। अब ये क्या देना होगा और क्या नहीं वो आप तय करिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जितने बड़े आपके सपने होंगे हो सकता है आपको उतना ही बड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़े। और एक बार आपने इस बात को समझ लिया, उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया, अपने सेक्रीफाइस के लिए आप तैयार हो गए तो आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यही आज का वन मिनट विजडम है। ये विजडम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।